शरण राजकुमार जानवी वेलकम एंड द ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग. बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सो व्हाट वी डिड एट मिर्ची, हम लोगों ने एक क्यूरेट किए क्वेश्चंस और हम लोगों ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि आप पूछो क्वेश्चंस जो कि आप शरण राजकुमार और जानवी से पूछना चाहते हो. सो वी हैव छोटे मोटे क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन राज आपसे है, क्या आपने अपनी रियल लाइफ में किसी और के सपनों को रियलाइज करवाने में किसी की हेल्प करी है? वेर यू सॉ द टैलेंट इन समवन एंड देन यू रियलाइज दैट ओके इसको ये करना चाहिए ना, आई थिंक आई शुड स्पीक टू द फैमिली एंड आई शुड मेक हर और हिम रियलाइज दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. नॉट टू द फैमिली बट आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ ब्रिलियंट एक्टर बट ऑल्सो आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर. सो आई मतलब उसको मैंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि तू ये छोड़ दे बट आई कीप टेलिंग हिम दैट यू नो देयर इज अ great director inside you, so I think work on that, usko bahar nikal, and eventually he has directed something so beautiful which will be coming out soon. Absolutely fantastic guys. Janvi, I loved the trailer. I have seen the way you have worked hard. Aapka jo stance hai wo ekdam perfect hai, jaise aap duck kar rahe ho bouncer ke liye wo ekdam perfect hai. Kitni mehnat lagi hai training karne mein aur kitne time se aap train kar rahe ho apne aap ko? बहुत मेहनत लगी ऑनेस्टली. आई थिंक 2 साल की ट्रेनिंग रही थी. मिली या गुड लक जेरी के मिली के वक्त मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी. 2 साल लग गए और हमारे निर्देशक जो है वो काफ़ी प्योरिस्ट, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊं. वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि VFX में डाल देंगे या आधा अधूरा काम. वो पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊं, जुड़ जाऊं. काफ़ी इंजरीज भी हुए, मेरे दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे 2 कोचेस को जाता है, अभिषेक नायर और विक्रांत सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है. और हर मोड पर मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी, लेकिन उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी हर मोड पर उनसे. और जब भी मैं इनकी विजन को समझती थी, इनके पैशन को देखती थी, तो गुस्सा भी आता था, चिढ़ भी जाती थी, लेकिन झगड़ झगड़ के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं. और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सबको होपफुली 31 मई को नतीजा दिखेगा और पसंद आएगा. इसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है.